कर हमने कुछ पढ़ना से सीखा है। पेश कर रहा हूं एक शेर, समाज फरमाए कि निकलने का जब उसने रास्ता ना पाया। अतार भाई ये शेर दे दिएगा, वो पैसे वैसे का कोई मसला नहीं है, मोहब्बत से सुन लेंगे अपने छोटे भाई को तो यही बहुत है, दे देंगे तो कोई मसला भी नहीं है। हाजिर करता हूं, सुने कि निकलने का जब उसने रास्ता ना पाया, अबू बकर के पांव में उसने काटा, बड़े ही अकीदत से फिर सांप बोला, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। ये देखिए, सौ सुनार की एक लोहार की। तो भाई इंतजार कर रहा था कि सब जब आ जाएंगे आखिर में आएंगे। बहरहाल कोई मसला नहीं है। देखिए मोहब्बतें, शेर सुनकर जब शायर पढ़ता है तो पैसे उसके पैर में गिरते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई जो करता है तो पैसों की कोई अहमियत उसके सामने, कोई एक शेर कभी कई लाख कई अरब रुपए में आप कोई एक शेर का बदल नहीं ला सकते। पेश कर रहा हूँ ये मोहब्बतें हैं, हाजिर कर देता हूँ कि निकलने का जब उसने रास्ता न पाया, अबू बकर के पांव में उसने काटा, बड़े ही अकीदत से फिर सांप बोला। देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। हम क्या कर सकते हैं, जमजमों को सरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ऐ नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता, मैं अगर सात समंदर भी निचोड़ू राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। हम क्या कर सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, सूरत को, उनके कदम को, उनकी पूरी जिंदगी को हम बयान नहीं कर सकते एक मिसरे में। पेश कर रहा हूं खूबसूरत सा शेर, आप तक पहुंचा रहा हूं, समाज फरमाए कि मैं मिट्टी का पुतला हूं, सोना बना दे, मैं मिट्टी का पुतला हूँ, सोना बना दे, मैं मिट्टी का पुतला हूँ, सोना बना दे, मेरी सोई तकदीर आका जगा दे, मेरी सोई तकदीर आका जगा दे, मुझे अपने दर बुलाने खुदारा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। एक शेर, अभी आप जब गांव से 2-3 किलोमीटर के अंदर हो, मेन रोड से कोई बड़े नेता का गुजर हो, तो आप एक झलक पाने के लिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे इंतजार करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? अपने रहबर का, अपने रहनुमा का इंतजार हर कोई करता है। लेकिन एक शेर पढ़ रहा हूं, अगर वो वाकई आप हजरात के सामने से गुजरा हो तो शरीक हो जाइएगा। खूबसूरत सा शेर पहुंचा रहा हूँ, समाज फरमाए कि सुनी आमदे मुस्तफा रह न पाया। बोलो वसीम साहब, शरीक हो जाइए बतौर खास कि सुनी आमदे मुस्तफा रह न पाया, सुनी आमदे मुस्तफा रह न पाया, भटकते भटकते मदीने को आया, ये सलमान बोला दीवाना नबी का, हुजूर आपको
हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। जो अम्मी आयशा के बारे में गुस्ताखाना अल्फाज बोलते हैं, उन जाहिलों को नहीं मालूम कि अम्मी आयशा का मकाम क्या है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम क्या है। एक शेर पढ़ रहा हूँ और ये शेर आखिर है, पेश करके इंशाल्लाह मैं अपनी जगह लूंगा, हाजिर कर देता हूँ बतौर खास समाज फरमाए के उमर आयशा से लजाजत से बोले, उमर आयशा से लजाजत से बोले, उमर आयशा से लजाजत से बोले, करीब उनके मुझको भी दफनाया जाए, मैं कदमों में रहे कर लहद में हमेशा हुजूर आपको